हे गाइस, तो इंस्टाग्राम पर ये वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉब्लम में लिखा आता है यू कैन नॉट लीव लाइक फॉर 3 डेज या फिर यू कैन नॉट लीव लाइक्स फॉर 7 डेज। ये दोनों जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा अभी इंस्टाग्राम पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या होता है, जब आप लोग किसी पोस्ट को लाइक करने जाते हो तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एंड आप लोग किसी के भी पोस्ट को लाइक नहीं कर पाते हो, वो रील हो या फिर फोटोज़ हो, तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्यों आता है एंड इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग कोई भी एक पार्ट मिस करते हो तो फिर आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये प्रॉब्लम आता क्यों है। आप लोग क्या करते हो, किसी पोस्ट को बिना देखे ऐसे ऐसे इस तरीके से लाइक करते चले जाते हो, लाइक करते चले जाते हो, या फिर कि कोई एक अकाउंट को यहाँ पर ओपन कर लेते हो, ओपन करने के बाद इसके सारे पोस्ट वगैरह है उसको इसी इस तरीके से लाइक करते चले जाते हो। तो इंस्टाग्राम को क्या लगता है, इंस्टाग्राम को लगता है कि ये जो अकाउंट है वो फेक अकाउंट है, सिर्फ लाइक करने के लिए बनाया गया है, ये फेक अकाउंट है जो बोट तरीके से चलाया जा रहा है, इसलिए इंस्टाग्राम इस अकाउंट से लाइक वाला जो फीचर है उसको छीन लेता है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जाते हो तो इंस्टाग्राम का बहुत सारा रूल है जिसमें वो क्या करता है कि आपसे कोई कोई फीचर छीन लेगा। अगर आपको चेक करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ऊपर 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, नीचे आपको अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लोगे। क्या करना है आपको, यहाँ पर फीचर यू कैन नॉट यूज का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि हाँ आप लोग को इस कारण से यहाँ पर जो है ये जो फीचर है उसको छीना गया है। अभी देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर कोई ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए यू कैन यूज ऑल इंस्टाग्राम फीचर राइट नाउ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता तो लिखा होता कि ये फीचर आप लोग यूज नहीं कर पाओगे एंड सारे फीचर को यूज कर सकते हो। अब क्या करना है, ये तो मैंने बता दिया कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम पे आना है, इंस्टाग्राम पर इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आई बटन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर स्टोरेज यूजेज मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये चीज़ आप लोग सेटिंग में भी ऐप मैनेजमेंट में जाके कर सकते हो। अब यहाँ पर क्लियर डेटा एंड क्लियर कैच कर देना है। दोनों करने के बाद देन आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद इंस्टाग्राम सर्च करना है, इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करना है। ये दोनों ट्रिक आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने इंस्टाग्राम में आ जाना है। इंस्टाग्राम में आने के बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम दिख रहा है, जैसे आप लोग लाइक किए तो आपको ये वाला जो इंटरफेस है ना वो आता है, वहाँ पर आपको आना है एंड यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट इस तरीके से आपको लेके रख लेना है जो प्रॉब्लम है आपको। उसके बाद क्या करना, अपना प्रोफाइल ओपन करना है, देन आपको ऊपर 3 लाइन देखने को मिलता है, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। देन आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, हेल्प का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। देन रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कर लेंगे, इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपना प्रॉब्लम लिखना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना प्रॉब्लम लिख देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखना है, डियर इंस्टाग्राम टीम, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आई एम नॉट एबल टू लाइक एनी पोस्ट फ्रॉम माई अकाउंट, वेन आई लाइक द पोस्ट इट इज रिटेन स्लैश, आपको ऊपर देना है यू कैन नॉट लीव लाइक फॉर 3 डेज या फिर 7 डेज, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर दर्शा देना है। सो प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम थैंक्स, बस आपको इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद नीचे एक स्क्रीनशॉट ऐड दिख रहा होगा, इस स्क्रीनशॉट को कट करके हमने जो स्क्रीनशॉट लिया है अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस स्क्रीनशॉट को इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या करना है, ऊपर सेंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जब आप लोग इसको सेंड कर दोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉल्व नहीं होगा। ये जो ट्रिक है इंस्टाग्राम का रिपोर्ट करने का, ये 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन में काम करता है। जब इंस्टाग्राम इसको फुली तरीके से रीड करेगा, देखेगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम है आपके अकाउंट पर, तब इंस्टाग्राम इसको सॉल्व करेगा एंड आपको वार्निंग देगा कि आप लोग अगले बार से ये जो चीज़ है इसको नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाएगा। एक चीज़ और आपको मैं बताना भूल गया, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर इसी तरीके से लाइक करते जाते हो, आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है एंड आप लोग लाइक करते जाते हो सभी को, तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना है।
अब आपको लास्ट एंड फाइनल ट्रिक क्या करना है कि आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आना है। आने के बाद आपको थ्री लाइन पे ऊपर क्लिक करना है, देन आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब नीचे इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, आपको यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट आपको लॉगआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम से लॉगआउट हो जाना है। करीब करीब आपको ये 12 घंटे या फिर 24 घंटे के लिए लॉगआउट यहाँ से हो जाना है। अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं यूज करना है, इसको लॉगआउट करके छोड़ देना है। जब आप लोग अपने अकाउंट को 12 या फिर 24 घंटे बाद ओपन करोगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम होगा वो 100% सॉल्व हो चुका होगा। इसी से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो से ही बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से ज़रूर जाकर देखिएगा।